दिलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। सामान कुछ मेरा इस तरह से फैला हुआ है, अभी पैकिंग करनी है यार। और होटल का रूम इतना जबरदस्त है, देखो बाहर से ही सनराइज हो गया, मस्त धूप आ रही है अंदर। जल्दी से नहाता हूँ और करता हूँ सामान पैक। तो गुड मॉर्निंग गाइस, मैं कल रुका था यहाँ उडियारी बैंड बेरीनाग में, और आज का जो मेरा प्रोग्राम है यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है मुंस्यारी, वहाँ मेरे को जाना है। लेकिन अभी मैं नीचे चाय पीने गया था तो उन्होंने मेरे को बताया कि पास में एक फेमस टेंपल है, कोई पांखू करके कोई विलेज है यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत है। और वहाँ का एक फेमस सॉन्ग भी था, मैंने बहुत पहले सुना भी था। तो पहले हम उस टेंपल में जाएंगे, कोटगाड़ी देवी माता है, कोकिला माता बोलते हैं, तो वहाँ जाएंगे। और उसके बाद वहाँ से मैं निकलूँगा थल होते हुए मुनस्यारी। तो मैंने एक टाइमलेस बनाया है, सुबह जल्दी उठ के मैं उठा था और एक सनराइज का मैंने टाइमलेस बनाया हुआ है, तो वो टाइमलेस आप देखो। उसके बाद निकलते हैं सीधे पहले कोटगाड़ी टेम्पल। बाइक अपनी रेडी, हमें रुका था साहब होटल में, भाई ने टोपी वोड़ी मस्त पहन रखी है और उन्होंने बताया था मेरे को कोटगाड़ी मंदिर के बारे में। नेक्स्ट टाइम इनसे दोबारा मिलेंगे इसी साहब होटल में आके। अब निकलते हैं कोटगाड़ी मंदिर की ओर, और जो रोड ऊपर को जा रही है ये जाएगी चौकड़ी होते हुए कोटबनिया होते हुए कोटगाड़ी। तो हिमालयन व्यू दिखने लग गया, देखिए अभी मॉर्निंग के टाइम पे ये सामने है पंचाचुली पीक्स मेरे ठीक सामने, और ये पर जहाँ टावर दिखाई दे रहे वह है पूरा चौकड़ी, और ये पूरे नीचे है जहाँ वो कोहरा छाया हुआ है वह थल, और ये नीचे जो रोड जा रही है जा रही थल को, काफ़ी सुंदर नज़ारा है। तो मैं पहुँच गया हूँ कोटगाड़ी कोकिला माता के दरबार में, यह है उसका फ्रंट गेट। चलते हैं मंदिर की ओर, अंदर की ओर। भाई साहब निकल चुके हैं, अब थल में मैंने खाना खा लिया। अब यहाँ से है 70 किलोमीटर दूर है, मैं तो 50 किलोमीटर आ रहा था लेकिन 70 किलोमीटर दूर है मुनस्यारी अभी, और दिन का बज गया है मुझे इधर ही एक, तो शाम के 4 या 5 बजे तक पहुँच ही आऊँगा जहाँ तक होता है। एक मैकेनिक की दुकान ढूंढनी है, मिरर ज़रा टाइट करवाना है, ये मिरर खुल गया इसका। थल की बाजार करके एक सॉन्ग है, काफ़ी चलता है डीजे में, वही है थल की पूरी बाजार। अंदर पेट्रोल पंप है, पेट्रोल तो अभी मेरी गाड़ी में काफ़ी है, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है।
मैकेनिक की दुकान भी मिल गई। भैया चाबी चाहिए यार, मिरर टाइट करवाना है, मिरर टाइट करना है मिरर वाला। और ऐसे ही ऊपर आया तो यहाँ पे देखो नीचे नदी है, और नदी में लोग कर रहे हैं कैकिंग, यानी मुनसारी में भी आप आके कैकिंग कर सकते हैं। नाचनी के पास है ये इलाका, नाचनी एक गांव है यहाँ पे, उसके पास है इलाका, बहुत सारे लोग कर रहे हैं नीचे कैकिंग और मज़े ले रहे हैं नदी के। वो शायद कोई, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई कैंप साइड है, उधर कहीं कैंप साइड है, और कैंप साइड के नदी किनारे कैंप साइड है, और वही लोग कैकिंग इनको करवा रहे हैं, क्योंकि तो बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए वहाँ पे, और नदी बिल्कुल किनारे किनारे बह रही है, मस्त लग रही है। नाचनी यहाँ पे देखो बच्चों का क्रिकेट मैच चल रहा है, बहुत सारे बच्चे उधर बैठे हुए हैं ऊपर देखने के लिए, और एक ग्राउंड है, चारों नेट लगा रखा है और चल रहा है मैच। सर कुछ देर एक ओवर देखता हूँ यहाँ, तो अंपायर भी खड़े किए हुए हैं इधर लेग साइड पे, इधर एक ओवर देखता हूँ उसके बाद निकलूँगा। महसा पूरी ऑफ रोड आ गई है, नीचे नदी का किनारा, भयंकर वाली खाई है, और ये रोड बड़ी भयंकर है, अब पता नहीं ये कितनी है न जाने आगे तक, करीब मैंने 100 मीटर से ज़्यादा तो क्रॉस कर ली है, लेकिन अभी तक ठीक है, हो गया क्रॉस हो गया, इस पुल तक का हिसाब किताब है। ये पुल ही मेरे को जुगाड़ टाइप का लग रहा है, ये हो सकता है कि आपदा आपदा में आके बह गया होगा ना, तो नया पुल बना रखा है, ये इलाका भी बह गया होगा इतना। ये देखो पुराने जमाने का पुल, सामने दिखाई दे रहा है बिर्थी फॉल, वो अपनी ऊपर हाइट से गिर रहा है नीचे, जो है मुनस्यारी का पहला डेस्टिनेशन विजिटिंग प्लेस में। इनको गाड़ी रोक के बैठा हुआ है, मेरे लिए रास्ता ना रहे भैया, सिंगल रोड है ना, इसलिए देखा मेरी बाइक की ताकत, ये है मेरी बाइक की ताकत। पत्थर गिरने का वह है, सावधानी पूर्वक चलिए, और देखो पत्थर कितने सारे आ रखे हैं नीचे, ये भाई साहब नज़ारा बड़ा खतरनाक है। तो बिर्थी फॉल पहुँच के ज़रा वाटरफॉल का लुत्फ लेते हैं, नहा तो पाएंगे नहीं, ठंडा वैसे ही और का ठंडा पूरा सही हो चुका है यहाँ पहुँचते, लेकिन धूप अच्छी है तो इससे ज़रा फील नहीं हो रहा है। लेकिन अभी मैं नीचे जहाँ पर चाय पीने के लिए बैठा था, तो वो अंकल बोल रहे थे जैसे ही आप बिर्थी फॉल से ऊपर कोई जगह पड़ती है कालामुनी,
वहाँ पहुँचोगे तो आपको वहाँ से ठंडा लगना स्टार्ट होगा, वहाँ से आप बर्फ स्टार्ट हो जाएगी। तो फिलहाल ये देखो ऊपर बिरथी फॉल, बहुत सारी गाड़ियाँ भी रुकी हुई है टूरिस्टों की। ये दिखाई दे रहा है वो बिरथी फॉल, वो ऊपर इतने ऊपर से इतने नीचे तक आ रहा है। तो चलो, तो ये सामने है बिरथी फॉल, वो पुल वहाँ पर मैंने बाइक खड़ी करी और ये रास्ता जा रहा है ऊपर बिरथी फॉल की ओर। रास्ते में चलते हैं और लेते हैं लुत्फ इस फॉल का, काफ़ी फेमस है। सामने है बिरथी फॉल, वो उतनी ऊपर हाइट से गिर रहा नीचे, उतने ऊपर से नहाने का मन कर रहा है, लेकिन वहाँ नहाने का था हिसाब किताब नहीं है, लोग बैठे हुए तो हैं। ऑलमोस्ट रोड तो हर जगह सही है, लेकिन कहीं कहीं पे जहाँ पर लैंडस्लाइड होने वहाँ पे तो बड़ी बुरी स्थिति है। आ, 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 एक जगह पर तो अभी इससे पहले वहाँ पर मैं वीडियो बना नहीं पाया, तो वहाँ तो मैं गिर ही गया था, वहाँ पे मैं पूरा टायर रोल हो गया, एकदम चलाई थी और इतनी मिट्टी थी, जंगल में अगर गिर गए ना तो उठाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो नज़ारा होता है स्टार्ट यहाँ से, देखो अब मैं बिल्कुल टॉप पर पहुँच चुका हूँ, वो नीचे पूरी घाटी उधर से, और वो सामने देखो, ये देखो कितनी बड़ी बर्फ के टुकड़े हैं, ये इतनी ज़्यादा बर्फ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो भाई साहब हो गया ठंडा महसूस होने लग गया है, हाथ में तो लगने लग गया है, एहसास हो रहा है। बाइक पर 300 ही ना बैठे, मैं तो अकेला बैठा हूँ यहाँ पर, तो अकेले जाने में भी आपत है, 300 के पास तो दूर रही। एक तो नीचे से इतनी भयंकर चढ़ाई है यहाँ तक, ये पूरा पहाड़ ऐसे गोल 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 घूम के आना पड़ा। आप देखो सामने का नज़ारा, आप सामने देखो ना भाई, वहीं जाना पड़े बीच में। यह है कालामुनि, जय बाबा जी की। कल को शायद आऊँ, कल को मुनस्यारी में रुकूंगा तो आऊँगा। सामने आप देखो पीक का नज़ारा, वो देखो सामने पीक, पंचाचूली पीक है ना, ज़बरदस्त। अब तो भाई साहब विकट ठंडा है, हा। तो ब्लॉगिंग कर लो या बाइक चला लो, जब तक ये गाड़ी दिखाई देती है मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ सामने का। वो देखो 1, 2, 3, 4, 5 पंचाचूली पीक्स सामने, मस्त लग रहा है। कभी ये रास्ता ब्लॉक हुआ था होगा, यहाँ बर्फ इतनी गिरी हुई यार, ये रोड एक मुझे लग रहा है कि अभी खाली कर रखी है, और दोनों ओर से देखो बर्फ है। बीच रोड में तो नहीं है फिलहाल, लेकिन ठंडा बड़ा विकट होने लग गया भैया। गोपो की बैटरी भी ड्रेन हो रही है धीरे धीरे, और मेरे को ठंडा ही बहुत हो रहा है, लेकिन नज़ारे ने जितनी थकान थी सारी मिटा दी, यही नज़ारा चाहिए था कुल मिला के। तामरी नेचर ट्रेल, अब देखो आप व्यू सामने से ज़बरदस्त, ये सामने पूरा पंचाचूली पहाड़, ये नीचे देखो आप कितना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है। अब का नज़ारा और ज़बरदस्त है, अब का नज़ारा भाई साहब और ज़बरदस्त है, और ठंडा मुंसारी अभी भी 10 किलोमीटर दूर है। ये एक देखो नजारा, माशा अल्लाह सुहान अल्लाह,
क्या कहोगे आप, है ना खूबसूरत डेस्टिनेशन। इस बार की तो और ज़्यादा खूबसूरत है, ये बीच चारों ओर से बर्फ और बीच में मेरी बाइक, वाह मज़ा आ गया यार, कसम से दिल खुश हो गया। तो भाई साहब यहाँ ठंडा है, -3 डिग्री टेम्परेचर भी बाहर का है, और मैं कुछ देर भी बाहर खाना ऑर्डर करने के लिए गया था, तो स्थिति इतनी नाजुक है, अगर आप कुछ देर हवा में ठहरोगे तो आपके हाथ पांव हो जाएंगे, इतने ठंडे कि आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखना, और मैं जो बोला था आपको इधर आओ भैया दिव्यांश, हाँ ये मैंने बोला था कि इंस्टाग्राम की स्टोरी फॉलो करके दिव्यांग पहुंचाए यहाँ, और ये आज मेरे साथ ही रहेगा यहाँ पे। तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तब कर लेना, और अगर आपको कोई मतलब सजेशन देना हो तब भी सजेशन देना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब, हाँ दो सब्सक्राइब इसने बोल दिया, तो आप सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाया हुआ है। तो कल सुबह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय देवभूमि जय उत्तराखंड।